मैं चाहती हूँ कि दीपावली के बाद जितने लोग भी मेरे साथ बात करें, नहीं तो मेरी जिंदगी में नए लोग आए, उनको कोई किसी किस्म का लालच ना हो मेरे साथ, सिर्फ मेरे को प्यार करने के लिए और मेरे साथ रहने के लिए और मेरे से बात करने के लिए आए, ना कि कोई भी लालची लोग मेरे साथ अटैच हो। मुझे रब ने बहुत कुछ दिया है, वाहेगुरु ने बहुत कुछ दिया है, मुझे किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ अच्छे इंसानों की, और वो लोग जो अच्छे इंसान हैं वही मेरी ज़िंदगी में आए। दीपावली के बाद नया साल स्टार्ट हो तो मैं खुशी खुशी रहूँ। लेना था और मेरा मन था कि मैं पहले से बहुत टाइम से सोच रही थी वो लेने के लिए, कुछ तो मुझे दीपावली पे चाहिए था और कुछ मैं पहले से ही प्लान करके बैठी थी जब से मैं हैदराबाद आई हूँ कि मैंने कुछ खरीदना है, तो वो भी मैंने खरीद लिया और कुछ दीपावली के लिए लिया है और बिल्कुल थोड़ा सा सामान लिया है जिसकी जितनी मुझे जरूरत है उसी हिसाब से लिया है, ऐसे फालतू में नहीं लिया है। और एक तो मैंने ली है चार, ये भोजन थाल की चार प्लेट ली है और इसमें तीन क्वालिटी थी, तीन तरह के थे प्लेट। ये जहाँ मैं शॉप पे गई थी वहाँ 100, 200, 270 और 300 तक थी और मैंने थोड़ी अच्छी वाली ली है, 300 में ले ली थी, क्योंकि यहाँ से हल्की ले लो ना चटक जाती है, कटोरियाँ हो या ग्लास हो या फिर प्लेट हो, तो मैंने ये 300 में ली थी और चार ले ली है, क्योंकि ना हनी गुरलीन मैकेंजल के लिए आसान हो जाएगा मुझे साफ करने के लिए जब वो खाना खाती हैं, और कटोरियों को साफ करना थोड़ा अलग से रहता, प्लेट को साफ करना अलग से रहता, तो मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं ऐसी प्लेट ले लूं कि एक प्लेट साफ की और काम हो गया, वो मैं अपनी बर्तन साफ करने में मुझे आसानी हो इसलिए मैंने ये प्लेट ली है। और दो मैंने बॉटलें ली थी और ये 75 रुपीज की बॉटल आई है, कांच की है, बहुत अच्छी है और इसको अच्छा खासा कैप, ये स्पंज का बना हुआ कैप भी मिला है, और दो बोतल ली थी मैंने ये, सॉरी ये 110 में आई है, ये एक 110 में और ये एक 110 में, और दो अच्छी खासी है और ऐसे एक दूसरे के साथ फ्रिज में रखे तो ऐसे चटकती भी नहीं है और साउंड भी नहीं आती है, टूटने का भी डर बहुत ज्यादा कम है, और ये दो ली थी मैंने। और मैंने ली थी कैंडल, ये मैंने डी मार्ट से ली है और ये बॉटल भी मैंने डी मार्ट से ही ली है, और ये प्लेट मैंने बाहर से एक शॉप है वहां से, स्टील की शॉप है वहां से ली थी, और ये कैंडल भी डी मार्ट से ली है। और एक मैंने लटकन, मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं डोर को, मेन डोर को ना लटकन लगाऊं, और मुझे मिल ही नहीं रही थी, जहाँ पे मैं रहती थी पहले वहाँ पर नहीं मिल रही थी, और ऑनलाइन भी मिल जाती है मगर मुझे डर था कि वो कैसी आएगी, डोर पे सेट होगी या नहीं होगी, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, तो मैं इसी डर के मारे वो ले नहीं रही थी, मगर मेरा बहुत टाइम से मन था। और ये आई हैं, ये भी मैंने डी मार्ट से ही ली हैं, और ये 250 में आई है, अच्छी खासी है और इसका कलर बहुत अच्छा लगा मुझे, ये भी मैं दीपावली पे ही लगाऊंगी। और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है तब से मेरा मन था कि मैं लूँ ये, और ये कैंडल होल्डर है, थोड़ा ये कैंडल होल्ड ओल्ड मॉडल है मगर मेरे पास नहीं था, मेरे को तो अभी ये नया मॉडल ही लग रहा है। और ये कुछ 85 रुपीज में एक पीस आया है, और ये तीन पीस आए हैं और दो ग्लास है इसके साथ, और ये स्टोन वाले हैं और एक ये वाला है, ये 80 में आया है और ये 40-40 में दो आए हैं, और ये भी मेरा मन था मैं ले लिया इसको भी, और मुझे अच्छा भी लग रहा था। और एक मैंने ये लिया था, इसमें कुछ भी हम प्लांट रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी डिकोर पीस की तरह रख सकते हैं। ये मैंने एक जग लिया है, और ये जग भी मुझे कितने में पड़ा है, ये मैंने बाहर ऐसे रहते ना यहाँ पे एक सेल लगी है, साउथ इंडियन सेल बोल के है, वहाँ से लिया है, और ये भी मैंने एक ले लिया, अच्छा लग रहा था मुझे, जब सुरिंदर आएंगे इसमें चाय डाल के हम पियेंगे।
और पहले मैं यहाँ पे रहती थी ना, वहाँ पे ज्यादा आना जाना नहीं था, क्योंकि हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट में पूरे एक ही सिंगल फैमिली थी पंजाबी, और थोड़े तेलुगु वाले फ्रेंड आते हैं, और उन लोग यहाँ साउथ में मालूम इतने से कप में चाय पीते हैं, बहुत छोटा कप रहता है जिसमें चाय पीते हैं, मगर इतने कप में चाय हमारे साउथ साउथ के पीते हैं। नॉर्थ वाले आए तो उनको हंसी आ जाएगी कि इतना छोटा कप इसमें चाय दे रहे हो, एकदम वो बॉटल की कैप रहती ना, इतना ढक्कन की तरह ही कप रहता है। तो अब क्या हुआ है कि मैंने यहाँ पे आई हूँ, यहाँ थोड़ी पंजाबी फैमिली है हमारे पहचान वाली, तो वो आ जाते हैं, मेरे पास कप नहीं थे, और बड़े कप थे वो 3-4 वैरायटी के, और मैं और सुरिंदर चाय पीते हैं घर पे, और वो मेरे पास 3-4 वैरायटी के हैं, और दो दो ही कप हैं वो, तो वो भी दो दो सेम नहीं है, मैंने अलग अलग लेती हूँ ऐसे मेरा मन रहता है। तो मेरे पास ऐसे कप नहीं थे, क्यों कोई आ जाए तो फिर उसे चाय देने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी, जब से आई थी ना तब से मुझे मुश्किल हो रही थी, मगर मैं बोल रही थी कि हमारे पास कप नहीं है, मैं पहले बोल देती थी, टाल देती थी, मगर मैंने सोचा कि प्लान किया कि मैं क्यों ना कप ले ही लूँ, 6 कप ले लूँ, और एक पे तो ये बार भी बनी हुई है, और सब पे ज्यादा बार भी बनी हुई है, 2 कप पे ऐसे कपल डांस कर रहे हैं और वो बने हुए हैं, ये देखिए, और ये भी अच्छे हैं, 79 रुपीज में 1 कप आया था, ये भी मैंने डी मार्ट से लिया है, और 6 कप लिए हैं मैंने ये भी। और मेरे पास चटनी की ट्रे नहीं थी, ऐसे जरूरत नहीं थी इसकी, मगर मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली, और ये ट्रे 1 13 रुपए में आई है, 4 ली है मैंने, गुरली ने बोला मम्मी ले लो ये 13 रुपए में 1 आई है, उससे बोल रही, ये भी मैंने डी मार्ट से ली है। और ये जूसेस के ग्लास बहुत सारे हैं हमारे पास, और ये गुरली ने एक और ले लिया था, एक ही लिया, मैंने बोला 2 ले, नहीं मैं 1 ही लूंगी, और 1 ही ले लिया उसने, और भी कुछ कोल्ड ड्रिंक्स जूस डालने के लिए मेरे पास नहीं थे ग्लास, और जो है वो बहुत बड़े हैं और ऐसे डिजाइनर है, तो मुझे लग रहा था कि मुझे प्लेन चाहिए, तो मैंने ये 39 रुपीज में 1 ग्लास लिया है, ये भी मैंने डी मार्ट से ही लिया है, और ये मैंने 6 ले लिए हैं, ये भी ज्यादातर मैं जो भी आ रहे घर पे गेस्ट उनके लिए लिए हैं, और ये मेरी शॉपिंग नहीं है, ये हमारे घर जो गेस्ट आएंगे ना उनके लिए है, ये ग्लास और ये कप। और बता दी, और जहाँ पे मैं आपको पहले भी बोला है कि हमारे घर गेस्ट नहीं आया करते थे कभी, मम्मी और आ जाती थी 3 साल के बाद, नहीं तो 2 साल के बाद, और हनी की दादी भी ऐसे कभी कभार आती, अभी तक तो वो भी नहीं आई है, तो मम्मी एक दिन आई थी, 10 दिन ही रह के चले गई, और वहाँ भी जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ भी कुछ ऐसे नहीं था, ज़्यादातर मेरा फ्रेंड्स के साथ घुल मिलना और बाहर जाना और फ्रेंड्स को घर पे बुलाना नहीं मालूम मुझे क्यों पसंद नहीं था, और ज़्यादातर शायद मुझे कोई मेरे दिल को नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा क्लोज फ्रेंड नहीं बना रखे थे, वहाँ मेरी एक ही फ्रेंड थी जब मैं स्टार्टिंग में आई थी ना, उसका नाम है मनी, और मनी जब मैं स्टार्टिंग में आई थी उसी दिन उससे मेरी पहचान हुई थी, और आज तक मनी मेरे ऊपर जान छिड़कती है, मुझे कभी भी कोई भी, मैं रोना नहीं चाहती मगर मेरी आंख में पानी आ गया, वो मेरी इतनी पक्की और मेरा जिगरी यार है मनी, और मैं आपको जरूर मिलाऊंगी, वो बहुत अच्छी है, वो इतनी नहीं है कि वो बहुत कोई स्टाइलिश है, एक बहुत ही ऐसे क्या बोलते कूल है और सिंपल है, और मैं उसको उसकी क्वालिटी आपको बता नहीं सकती, मुझे कभी भी कोई किसी किस्म की जरूरत पड़े मेरे मुंह से आधी बात अंदर और आधी बात बाहर रहती है वो भाग के आ जाती है, और मैं उसके लिए आपको कभी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और आपको बोलूंगी और उसका और मेरा क्या तालमेल है। और ये मैंने लिए थे, ये भी मेरे को ना सच मानो तो मैं आपको बता रही हूँ, आप सोचेंगे कि सुखबीर क्या है ये छोटे छोटे सामान दिखा रही है, जब हम लोग महाराष्ट्र गए थे नांदेड़ में, ये 275 रुपीज की 1 लटकन दे रहे थे वहां पे, और यहाँ मैं रहती थी वहाँ ये सब, ये तो ऐसे एक प्लास्टिक की तरह है, और जहाँ मैं रहती थी और वहां भी मेरी एक बंगाली फ्रेंड थी मुनमुन,
और मैं और मुनमुन क्या करते थे दीपावली दशहरा पे ना एक ही बार 2 केजी नहीं तो ऐसे फूल ले आते, रियल फूल जो होते हैं, तो हम लोग 2 केजी ले आ करते, नहीं तो वो है माला बना लेती बहुत सारी, और नहीं तो मैं और हाफ हाफ कर लिया करते, शेयर कर लिया करते। और अब क्या है कि मैंने यहाँ पे हैदराबाद में पूछे थे और बहुत ज्यादा उनका रेट था, और मैंने सोचा भी नहीं कि मैं बोलूँ, और मुझे ये मिल गया, ये डी मार्ट में इतने सस्ते मिल गए, 49 रुपीज में एक पीस मिल गया, तो मैंने 2 पीस लिए हैं। सामने मेन डोर पे ये भी लगाऊंगी, बहुत टाइम से मेरा मन था तो मैंने ये भी ले लिए हैं। और ये 2 दीपम के सेट लिए हैं मैंने, ऐसे इसमें हम रंगोली डाल सकते, तेलुगु में मुग्गु बोलते, और रंगोली डालने के लिए ये भी अच्छे हैं, और दीपावली के कुछ डेकोरेशन करूंगी तो उसके कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर लूंगी। और फिर मैंने लिए थे कटन के, मेरे रूम के लिए और गुरलीन के रूम के लिए, ये वाले मैंने लिए हैं नेट के हैं, और नेट के नहीं है कुछ अलग से ही है, मुझे समझ नहीं है इनका, और ये भी ले लिए मैंने। हॉल के लिए मैंने अलग से बनवाए हैं, वो मैंने खुद कपड़ा सिलेक्ट करके बनवाए हैं, वहां मेरा मन कर रहा था कि मैं बनवाऊं। और ये टिश्यू के हैं, और इसे लाइनिंग लगा के बहुत अच्छे तरीके से बनाया है उन्होंने। और ये टिश्यू के हैं, ये भी लाइट कलर है, ये बहुत ज्यादा अच्छे लगे, ये टिश्यू के हैं और लाइनिंग लगा के ये वाले बनवाए हैं। ज्यादातर मैं दीपावली पे शॉपिंग बेडशीट की, पिल्लो, कुशन और सोफे का कवर चेंज कर लिया, नहीं तो अपने कर्टन्स को चेंज कर लिया, ऐसी शॉपिंग करना ज्यादा पसंद करती हूँ। ये छोटा छोटा सामान भी चाहिए, मगर जितना जरूरत है मैं उसी हिसाब से लेती हूँ, उससे ज्यादा मैं लेना पसंद नहीं करती। कभी कभी मार्केट चले जाए ना, ये भी अच्छा लग रहा है ले लो, वो भी अच्छा लग रहा है ले लो, ऐसे नहीं है। मैं घर पे पूरी ऐसे देख के जाती हूँ कि मुझे इतना सा सामान चाहिए। ऐसे ये वाला जो जग है ना, इसके बहुत सारी वरायटी आई थी, मगर मैंने एक ही लिया, मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे एक ही जरूरत है तो मैं एक ही लिया, और इनमें भी बहुत सारी वैरायटी थी और भी, मगर मुझे 2 पीस ही चाहिए। और मनी के लिए मेरा मन थोड़ा खराब हो गया, मनी मेरी इतनी अच्छी फ्रेंड है, कभी मैं जैसे हम लोग शॉपिंग वहां तो कट्ठे ही दोनों जाते, कभी नहीं जाया करते अकेले, मगर कभी मैं ऐसे शॉपिंग अकेली चली जाऊं और मुझे वहां लगे कि मेरे पास अब मेरा बजट हिल गया है और मेरे को कुछ चीज की जरूरत है, आपको मालूम वो पैसा ही रहता है और पैसे की जरूरत है, मुझे ऐसे ही मैं कॉल करूं कि मनी मैं ऐसे शॉपिंग गई हुई हूँ, वहां थोड़े पैसे कम पड़ गए हैं, तो मुझे बोले भी नहीं देती कि तू मेरे ऐसे के आओ, मैं ऐसे बोलती हूँ जबकि मनी मैं आई थी और यहाँ थोड़ा मुझे काम पड़ गया है, तो वो बोलती है तू रुक मैं अभी आई, वहां भाग के आ जाती है, और भी कुछ भी जितनी भी प्रॉब्लम होती है मैं उससे शेयर करती हूँ, ऐसे नहीं है कोई हंसता रहता बंदा और वो खुशी रहता। मनी 20 साल से आज तक मेरे साथ, उसकी कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी तू-तू मैमा नहीं हुई, तू-तू मैमा होती है आपकी, कभी भी अपना हो जा बेगाना उससे लेन देन करके, और मैंने उससे इतना ज्यादा लेन देन किया है मैं आपको बता नहीं सकती, मगर कभी मेरे मेरे साथ उसकी कोई भी ऐसे गड़बड़ नहीं हुई है। और भी ऐसे मेरे नए फ्रेंड बने हैं कुछ 2-4 साल से, उनसे भी मेरा कोई लेन देन हो जाए जहाँ मैंने उनसे लेना है और मैं इतनी परवाह नहीं करती कि मैंने उनसे लेना है, जहाँ मैंने कभी उनको देना है तो उन्होंने भी कभी मुझसे आवाज़ नहीं लगाई कि हाँ सुबह तूने हमारा कुछ देना था, और ऐसा कुछ भी चक्करों में नहीं पड़े। और ये मेरे 2-4 फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरी जान है, जो मेरे पहले मेरे बचपन के फ्रेंड भी हैं, और दो तीन फ्रेंड हैं मेरे बचपन के, आज भी मैं उनको बोलूं कि तुम लोग धूप पे खड़े रहो, और वो सच मानो तो वैसे छत पे नंगे पांव खड़े रहेंगे, इतना मुझसे प्यार करते हैं। ऐसे नहीं है कि आप
किसी को किसी से लालच रहता है तो तब प्यार कर रहे हैं। उनको कभी मुझसे कोई लालच नहीं रहा, किसी किस्म का लालच नहीं रहा। और मनी, मैं आपको मनी के लिए कुछ नहीं बोल सकती, जो वहाँ रहते हैं, मैं बचपन में पली बड़ी हूँ, उनके साथ मेरा इतना प्यार है, आज तक भी वो ऐसे ही बरकरार है। और मनी तो मेरी यहाँ पे ही फ्रेंड बनी थी, जिस दिन मैं आई थी उसी दिन मेरी फ्रेंड बन गई थी वो, क्योंकि मनी वहाँ ऊपर थर्ड फ्लोर में रहती थी और मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर में रह रही थी। तो जब मैं गुल्लिन छोटी सी थी तो गुल्लिन को ऐसे लेके घूम रही थी, तो उसी दिन उसने मुझसे बात करना स्टार्ट किया। तो सच मानो आज तक मुझसे उसका कभी भी कोई भी किसी किस्म का कोई भी क्या बोलूँ आपको गड़बड़ नहीं हुई है। और मुझे मनी से ज़्यादा कोई भी अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे आए, गेट के अंदर के लोग भी और गेट के बाहर के लोग भी बहुत सारे मेरी ज़िंदगी में आए। मैंने देखा कि वो लोग अपने लालच के लिए आए और लालच पूरा होते ही वो चले गए, मगर मेरे बचपन के फ्रेंड दो चार और एक दो फ्रेंड फिर आए, मैंने जब नया कर लिया, उनको भी कोई मुझसे लालच नहीं है। वो आज तक भी मैं एक फ़ोन करूँ तो उसी टाइम हंस के बात करते हैं और मुझसे इतना प्यार करते हैं, और उनको लेन देन की कोई भी किसी किस्म की ऐसे परवाह नहीं रहती है। तो मुझे भी ऐसे लगता है कि हाँ, आपको भी ऐसे लगता होगा कि कोई बिना लेन देन के आपका ये साथ रहे और आपको प्यार करे, वो सबसे बड़ी बात रहती है। और कोई भी ऐसे है जो आपको इस्तेमाल कर रहा है और आप थोड़ा सा उसको अपना सामान पैसा जो भी इस्तेमाल करने नहीं दे रहे, तो फिर आपसे दूर भाग जाते हैं। ऐसे लाखों लोग आए और लाखों लोग चले गए और उनकी मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। मेरे अच्छे दोस्त मेरे साथ हैं और वो हमेशा रहेगी, मेरी माँ मेरे साथ है। ठीक है, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।